एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू. माई सेल्फ डॉक्टर विजय प्रकाश फ्रॉम सौभाग्य आयुर्वेद शारदा नगर कानपुर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर एट सौभाग्य आयुर्वेद, स्पेशलिस्ट इन एवियन एंड स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स. तो फ्रेंड्स, आज आप हम लोगों ने एवियन की सीरीज़ को फिर से स्टार्ट कर दिया है. लॉकडाउन के बाद पेशेंट्स फिर से आने लगे हैं और हमारे पास आज एक पेशेंट है जो कि अपनी दूसरी सेटिंग कराने आए हैं मेरे पास. आज से 6 महीने पहले कराया था, बीच में लॉकडाउन पड़ गया, तो 2 महीने का जो गैप होता है उसकी जगह इनका 6 महीने लगभग गैप हो गया. इनका नाम अमित कुमार जी है. अमित कुमार जी नमस्कार. ये दिल्ली के रहने वाले हैं और हमारे पास दूसरी सीटिंग के लिए आए हैं. तो आज हम जानेंगे कि इनकी पहली सीटिंग हो जाने के बाद इनको कैसा लगा और दूसरी सीटिंग हो जाने के बाद कैसा लगा, और आज ये जब ये जा रहे हैं तो आज इनकी क्या कंडीशन है. लास्ट में मैं आपको इनका एक्सरे भी दिखाऊँगा, पहले एक्सरे और दूसरे एक्सरे में क्या क्या चेंजेस हैं वो भी आपको दिखाऊँगा. तो अमित कुमार जी, आपका एवियन सबसे पहले कैसे हुआ, क्या 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 कारण रहे और आपको पता कैसे चला एवियन के बारे में? जी, मुझे पता तो नहीं चला कि कैसे हुआ, लेकिन जब मैं मेरे यहाँ पेन हुआ एक साथ, तो मैंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया तो दवा लेता रहा. तो उन्होंने किसी ने कहा साइटिका का पेन है, किसी ने कहा नस दबी हुई है. तो मैंने एक साल तक 7-8 महीने तो मेरा ऐसे चला. तो मैंने अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, मैंने बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को, लेकिन उसमें फिर मैंने एक MRI कराई. दिल्ली के रहने वाले हैं आप, तो वहाँ पे भी आपने पूरा एम्स में अच्छे डॉक्टर दिखाया मैंने ना. अच्छा. फिर मैंने एक MRI कराई, तब मुझे पता लगा कि एवियन है. ओके. तो कितने दिनों बाद पता चला था पेन वेन की कंडीशन, कितने दिनों तक रही आपने? 4-5 महीने तक ऐसे ही काटे? 6-7 महीने तक. 6-7 महीने ऐसे ही काटे, फिर MRI कराए, तब पता चला. लॉकडाउन में ये दर्द बहुत बढ़ गया. हाँ, पिछले साल लॉकडाउन में. ओके. तब फिर पता लगा. फिर मैंने एक डॉक्टर आगरा है, आईए खान, उनको दिखाया, उनसे मेरा पेन बहुत सही हो गया था. लेकिन फिर दोबारा फिर बढ़ गया. मैं जब तो जब दवाई वाई खाई पेन की, तो ठीक हो गया, मगर फिर बढ़ गया. फिर मैं आपके पास आया. ओके. तो जब एवियन आपको पता चला तो कौन से ग्रेड में था उस समय? एक फोर्थ ग्रेड में था और एक सेकंड था. फिर मेरे बारे में कैसे पता चला था? वो मेरी वाइफ ने यूट्यूब से देखा था. अच्छा. तब बताया था. तब पता चला उसके बाद. ठीक है. तो पहली सीटिंग जब आपने करा ली तो आपको कितना रिलैक्स मिला, कैसा लगा उसके बाद? पहली सीटिंग में तो पता नहीं चलेगा, बस ये है कि स्ट्रेचली वो हो जाएगा, मतलब पैर पहले से बेटर खुलने लगेंगे. और ये पहली सीटिंग पता नहीं चलेगा. अब मैं सेकंड सीटिंग कराने आया हूँ, तो कल से मैं सही चल रहा हूँ. पेन में रिलीफ है. अब मैं घर जाके देखूँ. अच्छा. तो अभी मैं आपको इनके एक्सरे में भी चेंजेस दिखाता हूँ. जैसा कि आप इस एक्सरे में देख सकते हैं, ये एक्सरे जो है राइट साइड पे देखिए, छोटा सा लिखा हुआ मिस्टर अमित कुमार जी. अमित कुमार जी का एक्सरे है. लेफ्ट साइड का हिप जॉइंट काफ़ी डैमेज है, लगभग 25% ये कट गया है और सरफेस भी रफ हो गया है. अंदर भी बहुत सारे ऑस्टियोपोरोटिक पैचेस इसमें दिखाई दे रहे हैं. राइट साइड में भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ऑस्टियोपोरोटिक पैचेस हैं. सरफेस लेफ्ट से तो बेटर है, मगर ख़राब तो हो ही गया है. ये इनका पुराना एक्सरे है जो कि ये ट्रीटमेंट कराने से पहले हमारे पास आए थे. और बोन टिश्यू आप देख सकते हैं, दोनों ही तरफ काफ़ी ज़्यादा डेंजरस कंडीशन में और ऑस्टियोपोरोटिक कंडीशन में है कि ये कभी भी ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है. और पेनफुल कंडीशन में ही आए थे और इस एक्सरे में काफ़ी डैमेज दिखाई दे रहा है. अब मैं आपको अमित जी का ये लेटेस्ट एक्सरे दिखा रहा हूँ. इसमें देख सकते हैं ऊपर अमित कुमार, अमित यादव लिखा हुआ है, 25 ईयर्स के. इसमें देखिए कि इनके लेफ़्ट साइड में ऑस्टियोपोरोटिक पैचेस पहले से काफ़ी कम हैं और बोन का टिश्यू ठीक है, सरफेस थोड़ा सा बेटर हुआ है पहले कंपैरिजन में. और राइट साइड में बोन टिश्यू काफ़ी बेटर हो गया, ऑस्टियोपोरोटिक पैचेस तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं, सरफेस भी पहले से बेटर है. दोनों ही फोर्थ ग्रेड में थे, इनके सरफेस काफ़ी बेटर है. जब ये मेरे पास आए थे तब दोनों ही फोर्थ कंडीशन में थे. और बोन कम से कम नेक्रोसिस रुक गई है, अब ये पेन फ्री हैं और चलने में इनको पहले से बेटर कंडीशन है, आराम से चल सकते हैं, अपनी लाइफ चला सकते हैं. फोर्थ ग्रेड में ये बीमारी को वहीं भी रोक दिया गया है. इससे पहले कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसके अलावा और भी जो एवियन के पेशेंट्स हैं जो लोग काफ़ी हताश हो चुके हैं या काफ़ी परेशान हैं, उनके लिए आपके मन में क्या सुझाव है, क्या करना चाहिए उन्हें? ये एवियन में यही तरह एक्सरसाइज करते रहो, ये तो ठीक हो जाएगा. ये ठीक है. तो उनको क्या ऑपरेशन तुरंत कराना चाहिए, क्या रुकना चाहिए, थोड़ा थेरेपी करें, एक्सरसाइज करें, क्या करें? फोर्थ ग्रेड तक तो रुकना चाहिए उन्हें. हाँ, फोर्थ ग्रेड से ऊपर है तो ऑपरेशन कराना चाहिए, उसके बाद ही ऑपरेशन कराएं और उससे पहले जितना हो सके रुकें. हाँ. अच्छा.
अच्छा, इस थेरेपी के ड्यूरेशन में आपको किसी तरह का कोई पेन या कोई जैसे कोई दिक्कत हुई हो तो परेशानी? फर्स्ट टाइम जब आया तो पेन होगा 2-3 दिन, क्योंकि वो मूवमेंट जब होता नहीं था पहले तो, फिर इस बार तो नहीं हुआ। तो संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट से। तो ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और अमित जी खासतौर से आपका आपका धन्यवाद। और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, सो दैट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। टिल देन, बाय बाय।